हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं कंडेंस मिल्क बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही आसान तरीके से। ये कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं ये कंडेंस मिल्क एकदम मार्केट वाले कंडेंस मिल्क जैसा ही है, एकदम स्मूथ और दिखने में भी एकदम बढ़िया। और ये काफ़ी यूज़फुल है, स्पेशली ये एगलेस केक, मिठाई, खीर इत्यादि में यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने लिया है दूध, शक्कर और बेकिंग सोडा। मेरा जो दूध है ये आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा है, बट मैं अकॉर्डिंगली कप आपको बता रही हूँ। मैं ली हूँ 3 कप दूध और 3 कप दूध के लिए मैंने लिया है 1 कप शक्कर। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन किया है और दूध मैं उबलने के लिए रख दे रही हूँ। जब मेरे दूध में एक उबाल आएगा मैं गैस का फ्लेम स्लो कर दूँगी और बीच बीच में चलाते रहूँगी। मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया, अब पकने रख दिया। अब 10 मिनट बाद मैंने देखा है मेरा दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर। शक्कर डाल के मैं इसको मिला रही हूँ और बीच बीच में चलाते हुए मैं थोड़ी देर और पकाऊँगी धीमी आंच पे। इसको मैं धीमी आंच पे पकने रख दी हूँ। अब आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद मैंने चेक किया, मेरा दूध और थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, पहले 1 पिंच मैंने सोडा डाला है, 1 चुटकी। ये खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग खाने में भजिए में इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने 1 और पिंच सोडा डाला है। सोडा डालते साथ दूध में काफ़ी उफान आ गया है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं। हमें इसे लगातार चलाना है धीमी आंच पे ताकि ये नीचे लगे नहीं। सोडा डालने के बाद 10 मिनट में हमारा कंडेंस मिल्क बनके रेडी हो जाएगा। मैं हिलाते हुए इसको चला रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने धीमी आंच पे लगातार 10 मिनट और पकाया है। अब आप देख सकते हैं मेरा कंडेंस मिल्क बनके रेडी है। ये बना है कि नहीं ये चेक करने का एक और तरीका है। आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क लेके दोनों उंगलियों के बीच में दबा के देखना। दबाते साथ एक तार की चाशनी बन लीजिए। एक तार की चाशनी बन गई मतलब कंडेंस मिल्क बन के रेडी है। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, इसे ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद देख सकते हैं ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया, मिक्सर थोड़ा सा दरदरा लग रहा है। इसे मैं एक बार इसे ग्राइंड कर लूँगी। मैंने इसे जार में डाल के ग्राइंड कर लिया। अब आप देख सकते इसका टेक्स्चर एकदम स्मूथ है, बिल्कुल मार्केट वाले कंडेंस मिल्क जैसे। इसे आप स्टोर करके 2 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसे केक, हलवा, मिठाई किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी इसे बनाइए और बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।